महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था, फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाथ हो या बाली, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेष अवतार माना जाता है, उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था, तब भी उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था, उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे विशालकाय वानर द्वित से मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ गया था। आइए इसके बारे में आज की इस वीडियो में और जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वित को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह उजाड़ना प्रारंभ कर दिया जिस तरह की उन्होंने रावण की वाटिका को उजाड़ दिया था। द्वारिका की वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़ कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु वे सैनिकों से कहां संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। ये सुनकर बलराम जी क्रोधित हो गए और सैनिकों पर भड़क कर बोले कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है और सैनिकों के बस का नहीं है। ये सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हांफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करें। थक हार कर तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे और उनसे बोले कि हे प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। ये मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही प्रकट हो गए और उन्होंने बलराम जी से कहा कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तब ये सुनकर बलराम जी चौंक गए और तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और स्वीकार कर लिया कि उन्हें अपनी गदा पर घमंड था। आइए हम सब साथ में बोलें, जय हनुमान, जय श्री राम। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा हफ्ते के कौन से दिन की जाती है। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए समय चक्र।